उसी को लेकर और ये जो पेरेटो एनालिसिस है इसका जो एप्लीकेशन है ये कई जगहों पर यूज़ की गई है ये क्वालिटी के उसके अंदर भी की गई है कि देर आर सम क्वालिटी के जो हैं प्रॉब्लम्स वो एटी परसेंट टाइम अगर करते हैं और कई जो हैं वो बहुत कम होते हैं एंड सो ऑन तो एबीसी एनालिसिस भी उसी के ऊपर बेस किया गया और इसके अंदर वट वी डू इज हम इन्वेंट्री को तीन क्लासों में डिवाइड कर देते देर इज ए क्लास बी क्लास एंड सी क्लास ए क्लास हम कहते हैं कि वो प्रोडक्ट uh, होगा जिसका एनुअल डॉलर वैल्यू जो है वॉल्यूम जो है वो बहुत ज़्यादा होगा वेरी हाई ठीक है यूजली uh, हम कहते हैं कि जी तो तकरीबन सिक्सटी परसेंट उसका टोटल उसके वैल्यू के बराबर होगा क्लास बी जो है दैट इज मीडियम एनअल डॉलर वॉल्यूम तो इसका तकरीबन 25 परसेंट के करीब रफली होगा और सी इज लेट से वेरी लो इसका होता है तो वो टोटल जो है वो बेसिकली 100 होगा तो उसके अंदर 70 परसेंट ए है तो 25 फाइव परसेंट बी है तो फाइव परसेंट सी है तो ये बेसिकली इस तरह हम क्लासिफाई कर देते हैं अब उसको प्रोडक्ट्स को जो कि हमारी इन्वेंट्री के अंदर हम उसको मेंटेन कर रहे हैं अब क्यों ये करते हैं कि इसके लिए हम अपनी पॉलिसीज ईच टाइप के लिए अपनी पॉलिसी डिफरेंट रखते हैं फॉर एग्जांपल हो सकता है कि हम है कि जी ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत क्रिटिकल है तो उसके लिए वो हमने उसके ज़्यादा टाइटली हमने उसको मॉनिटर करना है सी प्रोडक्ट बिल्कुल क्रिटिकल नहीं है उसको हम छः महीने के बाद भी देख लें तो इट इज़ गुड इनफ लेट्स लुक एट दिस एग्जाम्पल इसके अंदर हम हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास ये दो प्रोडक्ट्स हैं जिसका जो नंबर ऑफ यूनिट स्टॉक होता है इन्वेंट्री वो ट्वेंटी परसेंट होता है सिर्फ लेकिन उसकी जो टोटल वैल्यू है वॉल्यूम जो है टोटल आपके इन्वेंट्री का जो वैल्यू है उसका सेवेंटी टू परसेंट हो सो दिस शोज़ के ये जो आइटम्स हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा आपको इसके ऊपर नजर रखनी टाइट जरूरत है कि इसकी शॉर्टेज ना हो क्योंकि इसका जो वो रेवेन्यू है ये बहुत ज़्यादा आपको इम्पेक्ट होगा अगर शॉर्ट फॉल हो जाए ये जो तीन प्रोडक्ट हैं आपके इन्वेंट्री में यूनिट्स आर थर्टी परसेंट वेयर एज टोटल उनकी वो जो वॉल्यूम है डॉलर टर्म में वो ट्वेंटी थ्री परसेंट है फॉर एग्जांपल पहले वाले की एलेवन पॉइंट थ्री सिक्स पॉइंट फोर एंड फाइव पॉइंट फोर परसेंट सम किया तो ये तो इसको बी क्लास में हम कंसिडर कर लेते तो इसके लिए मैनेजमेंट एंड कंट्रोल का सिस्टम हम डिफरेंट लेकर आते हैं ए के लिए डिफरेंट होगा बी के लिए हम चांसेस आर के हम डिफरेंट करें देन वी हैव बेसिकली सी टाइप अब सी के अंदर क्या है कि क्वांटिटी तो बहुत ज़्यादा है फिफ्टी परसेंट ऑफ द टोटल इन्वेंटमेंट यूनिट वाइज अगर हम देखें लेकिन उसकी वैल्यू जो है वो टोटल एनुअल वैल्यू की फाइव परसेंट है सिर्फ दैट मीन्स कि ये हम कह सकते हैं कि नट्स एंड बोल्ट्स वगैरह आ गए इसके अंदर जो कि सस्ती चीज़ें हैं ऑल दो नट्स एंड बोल्ट्स आर ऑल्सो क्रिटिकल लेकिन वैल्यू वाइज दे आर नॉट क्रिटिकल वो कीमत वाइज वो नहीं है अगर उसके अंदर हम ज़्यादा उसको ज़्यादा भी रख लें और लट से छः महीने के बाद हम उसको चेक करते हैं और उसको ज़्यादा हमने क्वांटिटी क्योंकि छः महीने के लिए रख रहे हैं तो ज़्यादा इन्वेंट्री आप बिल्डअप कर लोगे तो लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है आपके जो कॉस्ट है वो उतनी नहीं पड़ेगी जितनी ए कैटेगरी को अगर आप ज़्यादा रखें तो उसकी वजह से हम इसको ज़्यादा टाइटली मॉनिटर सी कैटेगरी को हम नहीं करेंगे इसके अंदर ग्राफिकल uh, रिप्रेजेंटेशन के अंदर अगर हम देखें इसी चीज़ को तो बेसिकली आपका ए कैटेगरी आइटम्स हैं देन यू हैव बी आइटम्स एंड सी आइटम्स जो कि बहुत कम है लेकिन परसेंट ऑफ इन्वेंट्री में इट इज़ वेरी लार्ज नंबर फिफ्टी परसेंट उसमें जा रहा है इसका और क्राइटेरिया भी हम यूज़ कर सकते हैं फॉर uh, एग्जांपल हम कहते हैं कि जी इंजीनियरिंग uh, चेंजेस उसके कितने एंटिसपेट हम करते हैं किसी का बहुत ज़्यादा चेंजेस कर रहे हैं किसी का कम कर रहे हैं तो जिसके बहुत ज़्यादा चेंजेस कर रहे हैं उसके इन्वेंट्री इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए तो उस बेसिस के ऊपर हम करेंगे डिलीवरी प्रॉब्लम्स किस में किसी में आ रहे हैं किसी में नहीं आ रहे क्वालिटी प्रॉब्लम्स uh, जैसे मैंने पहले बताया कि कहीं ज़्यादा होते हैं कहीं कम होते हैं कोई क्वालिटी का प्रॉब्लम ज़्यादा हैं कुछ कम से हैं तो उनको भी हम इसी तरह uh, कर लेंगे हाई यूनिट कॉस्ट के बेसिस के ऊपर भी हम इसको क्राइटेरिया uh, को यूज़ कर सकते हैं कि uh, जो हमारे एबीसी एनालिसिस है उस बेसिस के ऊपर पॉलिसीज़ uh, हमने क्या एम्प्लॉय करनी है फॉर एग्जांपल इसके अंदर पॉलिसीज जैसे मैंने बताया कि एबीसी के लिए पॉलिसीज़ आपके डिफरेंट हो जाएंगी तो इसके अंदर हम कर सकते हैं कि uh, हम ए को, uh, को जो सप्लाई के डेवलपमेंट है उसमें ज़्यादा एम्फेसिस ए आइटम को जो सप्लाई कर रहे हैं उस पर हम ज़्यादा फोकस करें फिज़िकल इन्वेंट्री कंट्रोल ए की ज़्यादा करें हम यूजली ए के लिए फिर कंटिन्यूस रिव्यू सिस्टम यूज़ करते हैं कि उसको कंटिन्यूसली हम रिव्यू करते हैं जब भी हम उसमें से इन्वेंट्री में से मटेरियल विड्रॉ करते हैं तो हम देखते हैं कि कितना बाकी रहेगी और फिर कब हमने ऑर्डर प्लेस करना है बी uh, आइटम्स को यूजली हम पीरियोडिक uh, रिव्यू में ले चले ले जाते हैं ए uh, की फोरकास्टिंग हम ज़्यादा केयरफुली करें सी की इतनी केयरफुल करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन ए की बहुत ज़्यादा जरूरत है क्योंकि ये हमारे बहुत कीमती प्रोडक्ट में कंसीडर किया जाता है